एक MCA भी होता है, NIMCET का एग्ज़ाम देना होगा। एक हैकाथॉन भी IIT धनबाद में हुआ था जो हम जीते थे, भूल गए NIMCET क्या है। और ऐसे करके सर पता नहीं चला कब टाइम निकला, रैंक अच्छा आ गया। तो हमको ये पता था कि 1400 से तो अच्छा आना ही है, तो मज़ा तो आया। चलिए NIMCET के एक और नए टॉपर से मिलते हैं, पवन कुमार से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 176 है, जो कि झारखंड से हैं, हजारीबाग झारखंड से। तो सबसे पहले पवन, 176 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और पवन ने ये जो रैंक अचीव की है, इन्होंने ड्रॉप जरूर लिया है, पर इनके ड्रॉप लेने का क्या कारण था, इनकी सक्सेस जर्नी क्या थी, कब इन्होंने सोचा, मैं चाहूंगा वो सक्सेस जर्नी आप इंटायर शेयर करें। ये सबसे पहले सर क्या कहते हैं, हम BCA किए, BCA में एडमिशन, ये तो उस वक्त था ध्यान में कि एक MCA भी होता है, NIMCET का एग्ज़ाम देना होगा। मगर मेरा मैथ अच्छा था, ऐसा नहीं था कि ख़राब था, तो हम सोचे कि लास्ट का एक साल में हो जाएगा। तो हम कोडिंग में लग गए, कोडिंग इतना अच्छा लगने लगा कि भूल गए NIMCET क्या है। हमको तो मन था जॉब करने का, तो एक कॉम्पिटिशन, एक हैकाथॉन भी IIT धनबाद में हुआ था जो हम जीते थे। अच्छा, वेरी गुड। जैसे संबित ने बताया, उसको भी बहुत इंटरेस्ट आ गया था। फिर हमको तो लगा कि अब तो जॉब ही करना है, सब सही चल रहा था। मगर जब हम IIT धनबाद गए अवार्ड फंक्शन में अवार्ड करने, तो तब देखे कि IIT का कैंपस क्या है, तो मन किया कि हमको भी अच्छा NITs में जाना है, जाना चाहिए और अपने आप को और अच्छा से इम्प्रूव करना चाहिए। भैया भी बोला कि हाँ MCA ज़्यादा अच्छा होगा, वो भी BCA किए तो उनको पता है कि क्या दिक्कत होता है MCA में, ये BCA के बाद। तो हम उस वक्त टाइम ज़्यादा बचा नहीं, 3-4 महीना था, उस वक्त उतना डेडिकेशन से पढ़ाई कर नहीं पाए क्योंकि मैथ काफ़ी छूट चुका था, 2-3 साल हो गया था, तो रैंक उतना अच्छा आया नहीं, 1400 कुछ आया होगा। उसके बाद फिर हम सोचे कि मिल जाएगा कोई कॉलेज तो कर ही लेते, मगर बाद में सोचे कि नहीं हो सकता है। हम जब पेपर वापस से सॉल्व किए 2023 का, तो हो गया था सब कुछ, ऐसा लगा कि बनना चाहिए था हमसे। तो क्या रैंक थी 2023 में? 1400 कुछ ही थे। तो उसके बाद हम ड्रॉप ले लिए, अच्छा से जो जो गलती हम लास्ट टाइम किए थे वो चीज़ तो इस बार तो रिविज़न एकदम अच्छा से किए। हर दिन हम 2-3 कॉपी रिवाइज किए, हर एक कंसेप्ट को 3 बार रिविज़न किए, जैसे कि एक बार कॉपी देखिए जो रिवाइज करना था हम वो देखिए, उसके बाद कॉपी बंद किए, माइंड में एक बार रिवाइज किए, वीक के भी रिवाइज किए, उसको बोल के भी रिवाइज किए, इस तरह करके काफ़ी अच्छा जाने लगा। टेस्ट सीरीज आपका था तो टेस्ट में भी ठीक रैंक था, हमको कोई ऐसा दिक्कत हुआ नहीं कि कभी कुछ, हाँ कभी रैंक ख़राब हुआ तो आपका स्पेशल सेशंस था जिसमें हेल्प होते गया। और ऐसे करके सर पता नहीं चला कब टाइम निकला, रैंक अच्छा आ गया, बहुत अच्छा रैंक आया आपका। तो ये बताओ कि आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि आप IIT धनबाद गए थे, कि कोई अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी है। अब IIT MCA कराता नहीं है, अलग बात है, अदरवाइज होता तो बहुत अच्छी बात थी, पर अब आप NIT के अच्छे कॉलेज में जाओगे, टॉप 2-3 कॉलेज में किसी ना किसी में जाओगे, कोडिंग स्किल ऑलरेडी अच्छी है, उसका भी एडवांटेज मिलेगा। तो ये बताओ आपका मैथमेटिकल स्किल कैसा था? मैथमेटिक्स तो अच्छा था, 12th में भी मेरा अच्छा मार्क्स था, शायद 94 कुछ होगा, याद नहीं है। ये मैथ अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। तो ड्रॉप लेते समय कोई घबराहट नहीं थी? नहीं नहीं कुछ नहीं, हमको ये पता था कि 1400 से तो अच्छा आना ही है, कोई ना कोई कॉलेज तो मिलना ही है हमको, तो यही। अब जब देखे कि सीट भी बढ़ चुका है तब तो कंफर्म था कि अगर तगड़ा तो कंफर्म है, नहीं पर अगर तगड़ा नहीं मिलेगा। तो ये बताओ कि जब आप पेपर देने गए तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका पेपर में? सर सच बताए तो कुछ खास पता ही नहीं चला हमको, हम तो देते गए मैथ्स कंप्यूटर इंग्लिश। हाँ ये था कि रिपीट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा नया लगा, जो बनते गया बनाते गए, जैसे आप कहते थे पहले 20 मिनट में ये देख लो कि इजी कौन सा है, तो वैसे ही किए बन। शायद मैंने मैच में 32 अटेम्प्ट किए थे, शायद गलत थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 7 गलत हो गया। ओके और रीजनिंग पता नहीं सर ज़्यादा बन गया, 29 बन गया। और कंप्यूटर में? कंप्यूटर 16 बनाए थे, उसमें 2 गलत हुआ। कंप्यूटर तो पूरा वही था जो सर ने आपको करवाया था? हाँ कंप्यूटर सर आसान था, शिवम सर ने जो आपको करवाया था। नेट स्कोर कितना था? 496। ठीक है, तो आप पवन एक बार बताओ, आप भोपाल आए, सबसे अच्छी बात आपको अवार्ड सेरेमनी भी अटेंड की, तो आपको उसको अटेंड करके क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्या चीज़ें आपने नई नई सीखी जो आप यहाँ से लेके जाने वाले? सर मज़ा तो आया, खाना अच्छा था,
ओके खाना मजा आए खा के। और बाकी सर बाकी सब लोग का देखे, सबका कहानी देखे कैसे सब सबने प्रिपरेशन किया, अच्छा लगा सर। चलो गुड। तो अब आपका ऑलरेडी कोडिंग स्किल पहले से अच्छा है, हाँ तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको और डेवलप करना है, चिंता तो है, मतलब और अच्छा नहीं करना और है। अच्छा करना है, वही बोल रहा। आप उनके साथ भी जाओगे जिनकी कोडिंग ही नहीं है, अभी तो ऐसे बच्चे भी मिलेंगे, पर ऐसे भी मिलेंगे जिनकी कोडिंग आपसे भी कई गुना अच्छी होगी, तो आपको सबसे फाइट करनी है। तो आप ऐसे ही NIT में जाके भी अच्छे से स्किल डेवलप करो और अच्छा परफॉर्म करो। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक थैंक यू सर। यू। रुक जा भाई। अरे वाह।